हेलो, कहाँ है मोहम्मद जवाद साहब? अरे, उस लड़के का मामू पुलिस लेकर आया है और अर्दलान को ले जा रहे हैं। हेलो बाबा, आप जानते हैं अर्दलान तमजीद आज स्कूल आया था अपनी बेटी के लिए, जो घर से भाग गई है रहा तमजीद। और इस वक्त स्कूल की प्रिंसिपल होने की वजह से नाजिम से कहना पड़ेगा कि देखे बात क्या है, वो लड़की मिली या नहीं। इससे पहले कि मेरे मुंह पर थूको, मैं बताना चाहता हूं कि वो मेरा काम नहीं था, लेकिन मजबूर हूं कबूल करने पर। मैं घर जाना चाहता हूं। मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता। मैं उस औरत के पास नहीं जाऊंगा। मतलब अपनी अम्मी के पास, ठीक है। तुम्हारी रहबाजी कहाँ है? उसी औरत के पास। मतलब अपनी अम्मी के पास। अच्छी हूँ, बस बाबा मुझे देख ले तो मेरी खाल खींच लेंगे। वो मर गई? नहीं बेटी, कहाँ था वो? ठीक है, आईसीयू में है। हालत बेहतर हो जाएगी तो वार्ड में आ जाएंगी, परेशान मत हो। चलो मेरे घर पे, अरसलान भी वहीं है। अंकल, मेरे लिए एक सैंडविच लेंगे? मुझे और इसे बहुत भूख लगी हुई है। कहाँ है वो लड़की? उसका मोबाइल बज रहा है। बस ये बताओ कि रेहा कहाँ है? जहाँ ड्रग्स हो वहीं पर। दरवाजे पे कोई मिलने आया है, वो भी इतनी रात में। मुझसे? कैसे हो? मैं आज तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। कहीं भी जाऊंगी तो उसका डर रहेगा कि मेरे बाबा और उनके दोस्त ना आ जाए। तुम कैसी लग रही हो? कैसी हूँ? तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? कुछ नहीं, बस नक्शा बदल गया है। क्या कर रही हो अपनी जिंदगी के साथ? कुछ नहीं कर रही हूँ, बस कहीं जा नहीं सकती हूँ। मैं इस वक्त तुम्हारे घर आना चाहती हूँ, भागी हुई हूँ। कहाँ से? तुम कितना सवाल करती हो। तुम जानती हो तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे बाबा ने मेरे साथ और स्कूल के साथ क्या किया? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे सवाल बाद में करना। अंदर आऊँ या नहीं? सारा जब आए तो भेजना, मेरे पास काम है। सारा बेटी, खुश आमदीद। बाहर मैं उन बाबों में से नहीं हूं कि अपनी बेटी के दोस्त के सामने उसे जलील करूं। मैंने तुम्हारे दोस्त की बातें सुन ली हैं। तुमने उसकी मदद की है घर से भागने में ना? नहीं, खुदा की कसम बाबा, उसने मुझसे बस एक मोबाइल फोन मांगा था, मैंने जाकर दे दिया। ये तो नहीं कहूंगा क्यों उसे अंदर बुलाया। इतनी रात को एक लड़की बाहर सड़क पर नहीं होनी चाहिए। ये महफूज जगह तो है, लेकिन हर चीज का हिसाब किताब होना चाहिए। ये लड़की उस वक्त तक यहाँ रहेगी जब तक उसके अम्मी अब्बू यहाँ उसे लेने नहीं आ जाते, समझ गई बेटी? जी। शाबाश मेरी बेटी, अब जाओ, अपने मेहमान का ख्याल रखो, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। जी।
उठा नहीं रहे हैं बाबा। फिर से मिला बेटी। हाँ तो सब लोग ताली बजाओ भाई। सब लोग ताली बजाएं भाई, सब लोग ताली बजाएं। अब सब मेरी तरफ देखें, सब मेरी तरफ देखें। सारे सब तैयार हैं। शुक्रिया। आपके दोनों भाई आ गए लेकिन मेरे दोनों भाई अभी तक नहीं पहुंचे। मेरे भाई अपनी बहन को चाहते हैं इसीलिए जल्दी मिलने आ जाते हैं। अभी पयाम को फोन किया, इधर ही है। बच्चों आप बस करो, देखिए कौन कौन आया है। अच्छा आप सब गिनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः। मुबारक हो। अच्छा अभी जल्दी मत करना, अभी चाचा लोग नहीं आए हैं अभी। ये तो अच्छा हुआ, मैं जा रही हूँ तुम्हारा गिफ्ट लेने। हैप्पी बर्थडे टू यू। हेलो हेलो, सलाम अलैकुम मैडम। माफ़ कीजिएगा आपको डिस्टर्ब किया। उस दिन जब नाज़िम राहा को तलाश कर रही थी तो उन्होंने मुझे कहा था कि अगर उसकी कोई भी ख़बर मिले तो मैं आपको बता दूं। आपका नंबर भी उन्होंने ही मुझे दिया है। राहा इस वक्त यहाँ पर है, भागी हुई है। कह रही है कि उसे डर है कहीं उसके पापा उसे ढूंढ ना लें। अब मैं नहीं जानती कि मैं किसको फ़ोन करूँ, उसके बाबा को फोन करूं या क्या करूं। ये कहते हैं उनसे गलती हो गई है, जिसने उस दिन उन्हें मारा है आप नहीं थे। आप इस इल्ज़ाम की बिना पे उनकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। वैसे आप जा सकते हैं। मैं तुम्हारी वजह से पेटा और इस बार उस खत के चक्कर में मुझे मारा गया। मुझे कोई शिकायत नहीं है। जानते हो मैंने क्यों केस नहीं किया? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि मैं खुद अपना हक लेना चाहता हूँ। चाहता हूँ तुम आजाद रहो, अपने घर जाओ, तुम्हारी लड़की का रिश्ता मांगने आऊंगा। अरे क्या हुआ? हमने एक डील के बारे में बात की थी ना। अरे अरे क्या हुआ? छोड़ो इसे, छोड़ो भाई, जाओ यहाँ से। अरे तुम जाओ और तुम भी जाओ, जल्दी जाओ यहाँ से। अर्दलान के दोस्त, मैं तुम्हारे दोस्त से कह चुका हूँ कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है मेरे भाई। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बात कर रही हूँ इसलिए कि शायद राह भाग गई है, अपनी दोस्त के घर गई है वो इस जी वक्त। उसे वहीं रहने दीजिए। असल में इसलिए कि शायद उसकी दोस्त के घर वाले कहाँ हैं? माफ कीजिएगा, एक मिनट। देखो जाओ, एक गाड़ी करो, मैं अभी आता हूँ। मरियम साहब, हालात अच्छे नहीं हैं, अगर अर्दलान को मिल जाए पता नहीं क्या करेगा।
असल में देखिए, मैं भी उसे वहाँ इस तरह से नहीं रहने दे सकती। प्लीज कुछ ऐसा कीजिए कि कुछ देर वो वहीं पर रुकी रहे। हेलो हेलो, उफ़ अल्लाह। हाँ तो अरसलान मेरे पास है और राह भी 2 घंटे पहले तक वहाँ थी, इस वक्त नहीं। राना कहाँ है? हॉस्पिटल में। कौन से हॉस्पिटल में? तुमसे क्या मतलब है? मोहम्मद जवाद प्लीज बताओ किस हॉस्पिटल में है। रसूल अकरम। शुक्रिया जो मुझे बाहर निकाला। कहाँ? मैं पुलिस ले जाऊंगा अपने बच्चों के चोर को पकड़ने के लिए। रुको तो सही, मैं अगवा की एक रिपोर्ट दर्ज कराने आया हूँ। अरे पुलिस किस लिए? फिर उससे लड़ाई झगड़ा करवाना चाहते हो क्या? कहाँ भाई? मोबाइल ये लीजिए। ये तो बैल बज रही है, उठा ही नहीं रहे। ये दरवाजा खोलो, मुझे क्यों बंद कर रहे हैं यहाँ पर? दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। अच्छा मरियम, बाबा तुम्हें पूछ रहे थे। ठीक है तुम चलो, मैं आती हूँ। चलो। हेलो जमान साहब, ये तो फोन ही नहीं उठा रहे हैं जो नंबर आपने दिया। दरवाजा खोलो। और ये लड़की तो हंगामा मचाए हुए घर में। जल्दी दरवाजा खोलो। मैं वाकई इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। कुछ सोचिए ना, अगर ऐसे ही चिल्लाती रही तो मुझे छोड़ना पड़ेगा इसे। देखिए एक मिनट सुनिए जरा, मैं आती हूँ, रुके रहिए। कुछ हुआ है क्या? नहीं। सुनो जरा, मुझे एक काम पड़ गया है। तुम जरा पयाम को बुलाओ, लेकिन बाबा को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं कोई बात नहीं, परेशान ना हो, बस उसे भेज दो। देखो चलो, शिकायत कर दी, पुलिस भी आ गई, गिरफ्तार भी हो गई, तो तुम्हारा क्या फायदा होगा इससे? चलो उसको फांसी लग गई तो क्या हो जाएगा बताओ? राह को अम्मी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह राह को भी एहसास हो जाएगा। अपनी अक्ल इस्तेमाल करो, तुम क्यों राना को? मेरा दिमाग खराब मत करो। अरे तो क्यों बाहर आ गए? क्या करूं, इस हालत में उसे गिरफ्तार कर सकता हूं? कैसी हालत में? बच्चा चुराया है उसने। तो क्या हॉस्पिटल के बेड से मैं उसे ले जा सकता हूं? तो फिर यहां क्यों आए? मैंने कहा था कि वो अपने फ्लैट में है, हॉस्पिटल में है कहा था ना। दूसरे थाने में भी इसकी रिपोर्ट दर्ज हुई है। जानता हूं, सारी मालूमात भी हमने ले ली है। उन्होंने भी आपके खिलाफ एक शिकायत की है। आप खुद भी इस वक्त जमानत पर बाहर हैं। वो जमानत मैंने वापस ले ली है, मसला हल हो गया। तुम क्यों बेवकूफी की बातें कर रहे हो? कैसे क्या? क्या मतलब कुछ हुआ है? क्या मतलब कुछ हुआ है? एक मिनट ठहरिए, एक मिनट, मैं आपको बताता हूँ। आइए आइए, तशरीफ लाइए। जी बोलिए। नहीं देखिए, मसला ये है कि इसकी ये सबका बीवी है, इनके आपसे कुछ मसाइल है, कुछ अख्तिलाफात वगैरह है, और कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। छोटी सी बात है, आपस में हल हो जाएगा। क्या है तुम समझते हो मैं ऐसे काट डालूंगा? तुम क्या समझते हो ये जंगल है? तमाम बरसों के दौरान के जब हम साथ रहा करते थे, उन तमाम बरसों में जब मैं सोचती थी तुम मुझे चाहते हो, उसमें तुम एक दूसरी औरत के बारे में सोचते रहे। छह साल इस बात को गुजर चुके, लेकिन मैं जब भी उसे याद करती हूं तो पैर लड़खड़ा जाते हैं।
मुझे नहीं चाहते थे, चलो ठीक। मेरे बाप के पैसों के लिए शादी की, वो भी ठीक। लेकिन एक चीज सही से बताना, लेकिन तुम उन दिनों जब साथ में खाना खाते थे या साथ में कहीं घूमने जाते थे या आसमान के तारों को बैठकर देखा करते थे और आपस में बातें करते थे, तो ये सोचते थे कि तुम इन तारों में मुझे तलाश कर रहे हो। लेकिन तुम इस लड़की को ढूंढ रहे थे ना अर्दलान? और सलान, तुम्हारी जान है, इन्हें के कसम देती हूँ, मुझे सच सच बताओ, ताकि मुझे अपने बारे में फैसला करना हो। अर्दलान बोलो। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे सुना है ना? मेरे सवाल का जवाब दो। मैं अपनी खूबियों और बुराइयों के बारे में जानता हूँ। इतना ज्ञान गुजरा नहीं था कि उस औरत के बारे में सोचूं जिसकी शादी हो चुकी थी। बच्चों की कसम, उसके बारे में सोचने से ज्यादा अपनी वफा के बारे में सोचता रहा इन तमाम बरसों में। हत्ता अपनी मंगेतर को छोड़ने का अजाब भी मुझे परेशान नहीं करता था। बस एक बात थी, एक अजाब, एक दर्द, अम्मी की परेशानी। शायद इस वक्त इन्हीं गलतियों के सजा भुगत रहा हूं। एक दिल तोड़ना और अम्मी की दुआ को खोना। तुम्हारी अम्मी मरियम की नाराजगी दूर करने के लिए उनके घर गई थी। अजाब मत दो। और वहां से सीधे नर्सिंग होम। कहा ना अजाब मत दो। लेकिन एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आई। फिर कहा? सब कुछ बोलूंगी आज। मैं और तुम्हारी साथ पूछते एक दूसरे के लिए गैर हैं। मैं गैरों के सामने बात नहीं करना चाहता। मैं या तो कानून की मदद से या जोर जबरदस्ती करके तुम्हारे माँ बाप के पास भेज दूंगा। कहो। अच्छा, ज्यादा परेशान मत हो, कोई मेरा इंतजार नहीं कर रहा है। लेकिन मेरे मुंतजर हैं मेरे बच्चे। तुम्हें नहीं चाहते हैं? कोई बात नहीं, मैं तो चाहता हूं ना। किसी ने कहा यकतरफा इश्क मुसीबत का बायस है। जिसने कहा या तो आशिक नहीं था या तो बाप। या मां नहीं होगी। मां हो तो बन के दिखाओ, बच्चों के साथ रहो। एक बार तुमसे कह चुका हूं, बच्चों के खातिर तुम्हें बर्दाश्त कर सकता हूं। इतने साल तक मुझे बर्दाश्त किया मेरे बाप के पैसों के खातिर, अब मुझे बर्दाश्त करना चाहते हो मेरे बच्चों की वजह से? उसके बावजूद मैं ही मकरूज हूं तुम्हारी? तुम बच्चों के साथ वहां आकर वहां रहो, वो भी खुश रहेंगे। मुझे मत दो, लेकिन अपने साथ ले आओ। नहीं, मैं यहां से बाहर कदम नहीं रखूंगा। मैं यहां की जबान और कानून को जानता हूं। कानून के सिलसिले में हर जगह यहां के अलावा हक लाऊंगा। शायद यहां से बाहर भी ना जा सको। नायबी ने नो एग्जिट की मोहर लगवा दी हो, चेक, लोगों के कर्जे, वही जो मेरे बाबा के साथ किया। ये हॉस्पिटल का बिल है, आप इसे पे कीजिए ताकि हम उन्हें यहाँ रख सकें। सलाम अलैकुम सर। अरे मैं ये अर्दलान की बेवकूफ़ियों के चक्कर में फंसा हुआ था, बिल नहीं सुन पाया। बोलो। हाँ, क्या काम था? नहीं,
गुलबानो से कहो वहीं रहे, मैं और अर्दलान वहीं आएंगे। ठीक है, खुदा हाफिज़। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। माफ कीजिएगा, आपने कई बार मुझे फ़ोन किया था शायद। कहाँ हैं आप लोग? मैंने कितनी बार आपको फ़ोन किया इस लड़की के लिए जिसका नाम रहा है? मैं उसकी सहेली का बाप हूँ। जमान साहिबा ने कहा था आपको फ़ोन करूँ। दरवाजा खोलो, प्रिंसिपल आ गई। सारा दरवाजा मुझे फ़ोन रखना होगा। अच्छा, रहा कहाँ है? मोहम्मद जवाद, तुम वाकई नहीं जानते कहाँ है या मुझसे छुपा रहे हो? दरवाजा खोलो। जलील बेटा, क्या कर रही हो? बेटा कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? रहा मत जाओ रहा। कहाँ बेटी? हाँ मेरी बेटी, रात के 11 बज रहे हैं इस वक्त। ज्यादा से ज्यादा 4 गाड़ियां सड़क पर मिलेंगी। रात गहरी होगी तो परिंदे भी नहीं मिलेंगे। हाँ कहाँ जाओगी बेटी? अकेले तुम्हें नहीं जाना चाहिए कहीं भी। वहां जहां मेरे बाबा ना सके, सामने से हटो। देखो, दुनिया का सबसे बुरा बाप भी सड़क पर मिलने वालों से बेहतर है। तुमसे कोई मतलब नहीं, मुझे छोड़ो। अरे रुको ना। ठीक है ठीक है, अपने बाबा के पास मत जाओ, मेरे पास रहो। तुम्हारे साथ? हाँ? ताकि फिर मेरी मुसीबत खड़ी करो और मुझे स्कूल से बाहर निकाल दो। देखो, स्कूल का मामला अलग है बेटी, मैं वहाँ प्रिंसिपल हूँ और जिम्मेदार हूँ। मेरी बात सुनो बेटा। तुम्हारी बात सुनूं? ताकि मेरे बाबा के हवाले कर दो। मैं तुम्हें उनके हवाले नहीं करूंगी। तुम्हारी उम्र की लड़की इस वक्त सड़क पर नहीं होती। ये देख रही हो, ये मेरे शौहर की फोटो है जो मर चुके हैं। उनकी रूह की कसम खाती हूँ कि तुम्हें तुम्हारे बाबा के हवाले नहीं करूंगी। अगर उन्हें नहीं देंगे तो कहाँ ले जाएंगी मुझे? हाँ कहीं भी सड़क के अलावा। रहा, या तो मेरी बात सुनोगी या तो तुम्हें इतना यहाँ रोके रहेंगे कि तुम्हारे बाबा तुम्हें लेने आ जाए। तुम बता दो। कसम खाई है, भूलना नहीं। ठीक है ठीक है, फिर मिलेंगे। क्यों ऐसी कसम खाई मरियम? कैसे उसके बाप के हवाले नहीं करोगी? तुम ही से कह रहा हूं मरियम। क्या करती, उसे यूं ही सड़क पर नहीं जाने दे सकती थी। तो कहां ले जाओगी इस वक्त?
अंदर नहीं आएंगे? यकीनन जाने की उसके पास माकूल वजह होगी। कोई माकूल वजह किसके लिए, उसके लिए या मेरे लिए? मैं तो कोई माकूल वजह नहीं देख रहा हूं। बगैर बताए भी जा सकती थी, है ना? नहीं, मैंने अपने बच्चों की तरबियत ऐसी नहीं की है कि बगैर बताए वो भी इतनी रात को बाहर जा सके। ठीक है, अभी पयाम को फोन किया, इधर ही है, बस अब चलें अंदर। परेशान ना हो, अंदर चलें। अगर इस तरह की हरकत करने का उसका दिल करे तो कहना तुम्हारे बाप ने तुम्हारी ऐसी तरबियत नहीं की थी। मरियम, तुमने क्या किया मेरे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया मरियम। आप उसके बाप हो, खुद ही कहना। अगर बात मंतकी है तो खुद ही कहें। मंतकी? 20 साल पहले तुम भूल चुकी हो, मंतकी बात भूल गई। मंतकी, मरियम से कहना अगर मंतकी बात की वजह से उसका दिल खुदा ना खास्ता अर्दलान के पास हो तो फिर मेरी तरफ देखेगी भी नहीं। वो अर्दलान के पास नहीं गई, वो अपनी स्टूडेंट के पीछे गई। उसकी स्टूडेंट अर्दलान की बेटी है, अर्दलान की बेटी मेरे लिए अर्दलान है। वो भी मना है, उसका नाम भी मना है, दोस्ती और शागिर्दी और इस तरह की बातें मैं नहीं मानता। तुम समझ क्यों नहीं रही हो मेरी बात? अर्दलान और उसके बच्चे मेरे लिए जहर हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं कि अपने बच्चों से मैं दूर हो जाऊं और हमेशा के लिए दूर हो जाऊं। उससे कह देना। कौन है? मुझसे बड़े तो नहीं हो? हो? ये कैसी बात हुई बाबा जान? आ जाओ। मेहमान अंदर आ जाएं तो मेरे पास आना काम है। मरियम का कमरा मेहमान को दिखा दो।
جی فرمائیے. معاف کیجیے گا ڈسٹرب کر رہا ہوں زمان صاحبہ. اس کے باپ کے دوست کا فون آیا تھا, میں نے بھی مجبوراً کہہ دیا کہ وہ آپ کے پاس ہے. ایسا لگ رہا تھا اس کا باپ ناراض تھا, کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی آپ کو پریشانی ہو جائے. شکریہ جو آپ نے اطلاع کر دی, خدا حافظ. پرسکون رہو بیٹا. کھلا رہنے دیجیے. آپ چاہے آرام کیجیے. تمہارے بابا کو پتا چل گیا ہے کہ یہاں ہوں. تم نے قسم کھائی ہے. ہاں مجھے معلوم ہے قسم کھائی ہے. السلام علیکم محمد جواد صاحب. علیکم السلام زروان صاحبہ, سب خیریت ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ شکریہ. عرض یہ کرنا تھا کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ راہ وہاں ہے. جی یہاں ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا تو وہاں ہے. یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کے باپ کا اصرار ہے کہ راہ کو ابھی بھیج دیجیے. ہم راستے میں ہیں. دیکھیے میں آپ کی پریشانی کو سمجھ سکتی ہوں, لیکن میں یہ اجازت نہیں دے سکتی. اسے واپس کر دیجیے, یہ سب ختم ہو جانے دیجیے پلیز. مریم صاحبہ کچھ کرنا پڑے گا. جانتی ہوں لیکن میں یہ اجازت نہیں دے سکتی. دیکھیے محمد جواد صاحب کیا میں گزارش کر سکتی ہوں؟ کیا مطلب اجازت نہیں دے سکتی؟ دیکھیے محمد جواد صاحب ایک گزارش تھی, وہ یہ کہ کیا میں اس کے بابا سے بات کر سکتی ہوں؟ جی ہاں کیوں نہیں, ایک منٹ ہولڈ کیجیے گا ذرا. زمان صاحب لو بات کرو. ہیلو, میں اجازت لینا چاہ رہی تھی کہ راہ میرے پاس رہے, کیا ممکن ہے؟ جی ممکن ہے. خدا حافظ. تمہارے باپ کے پیسے چاہیے. جو بھی کہا گیا سب جھوٹ ہے. اسے قسم کی قسم کھاتی ہوں جو کل کھائی تھی, اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو خود جا کر تمہارے باپ کے حوالے کر دوں گی. ذلیل کر دوں گا تمہیں نائبی. کہو اچھا راہ کو معلوم ہے کہ تم اس کے باپ کی ہونے والی بیوی تھی؟